हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुए जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ कि आज़ादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेस मिशन की उनकी जो कल्पना है, नई स्पेस पॉलिसी लेकर जो आए हैं, इसका बहुत शुभ आगाज आज अमृतकाल की शुरुआत में ही हुआ है। आज चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले एक दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। और 2018 में जो गगनयान का कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी ढेर सारी संभावनाओं को खड़ा करने वाला है। 2020 में स्पेस के क्षेत्र के सुधारों ने प्राइवेट प्लेयर को जो जगह दी है, वो भी हमारे मिशन को गति देगी। मैं इस मौके पर चंद्रयान 3 की पूरी टीम को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और मोदी जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अमृतकाल की शुरुआत में ही चंद्रयान ने जो मंगलाचरण किया है, उस सारे देश के लिए शुभम होगा, मंगल होगा, इसका हम सबको भरोसा है। फिर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।